A good day to all of you. Welcome to the Authors Club again. And here we have Dr. Neeraj Gupta with us, and he has been an author of The Ninth Habit. Namaste, Neeraj, welcome to the Authors Club. ऑथर्स क्लब में आपका बहुत स्वागत है और धन्यवाद यहाँ पे आप आए अपनी किताब के बारे में बताने के लिए. एंड व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने नाइन्थ हैबिट ऑलरेडी लिखी हुई है जो बेस्ट सेलर है और क्रॉसवर्ड्स वगैरह में अवेलेबल भी है. अब नीरज जी ने एक और किताब लिखी हुई है जो है एन एलियन इन द बिजनेस वर्ल्ड, और इस किताब के बारे में ही नीरज जी आज बताने के लिए हमें आए हैं. तो धन्यवाद नीरज जी यहाँ पे आने के लिए अगेन. Okay, thank you, Lina. Thanks for inviting me to this prestigious forum. माय प्लेजर, थैंक यू सो मच. तो आपने ये बुक क्यों लिखी, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा आप बताएंगे और इसको लिखने का उद्देश्य क्या है? Okay, yeah, that's a great question. हाँ, तो लीना जी, जैसे आपको पता होगा कि मेरी जो ये बुक थी, द नाइन्थ हैबिट, ये बेस्ट सेलर बुक हुई थी. लेकिन इसके साथ इश्यू ये था कि ये बुक इंग्लिश में है और ये नॉन फिक्शन बुक है, इसके कारण इसकी रीडरशिप काफी कम हो रही थी. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नॉन फिक्शन और इंग्लिश की जो रीडरशिप है वो 5% से भी कम है. तो ये केवल बहुत ही लिमिटेड लोगों तक ही बुक पहुंच पा रही थी, और मुझे इस बुक को मैसिव लोगों तक पहुंचाना, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस का इससे फायदा हो सके, हमारे यूथ को इससे बेनिफिट मिल सके. क्योंकि यदि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो टाइमलेस हैं, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हैं, बिजनेस वर्ल्ड के बारे में वो बिजनेस कोशेंट लोगों का इम्प्रूव करते हैं, उनको कैरियर में, उनको ग्रो करने में उनकी हेल्प करते हैं, तो यदि उसके ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं तो फिर वो मासेस तक पहुंचना चाहिए, राइट? तो इसीलिए फिर मैंने इस बुक को हिंदी में लिखा और स्टोरी फॉर्मेट में लिखा, मतलब कि फिक्शन फॉर्मेट. और शुरू से ही मैंने इसको एक मूवी की स्टोरी के रूप में ही कंसीव किया, और फिर उसको मैंने PK2 की मूवी के हिसाब से ही कंसीव किया और उसको एग्जीक्यूट भी किया वैसा. तो आज ये बुक आपके सामने है, और मैं एक्चुअली बोल सकता हूँ कि ये ऑनलाइन लॉन्च है अभी रिसेंटली, ये पब्लिश हो गया है. सो आई कैन से दिस इज द ऑनलाइन लॉन्च ऑफ दिस बुक, एन एलियन इन द बिजनेस वर्ल्ड. वाह, दैट्स रियली अमेजिंग. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. और आप इस, हाँ, आपने जैसे कहा इस मूवी, इस बुक को आप एक मूवी में भी कन्वर्ट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं PK2 के मूवी के हिसाब से. तो आपने इस किताब को उसी हिसाब से लिखी है, और है ना, यस यस, दैट्स ट्रू. थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए. यस, और एक्चुअली फिर बाद में मैंने ये सोचा, और हम मेरी टीम से भी डिस्कशन हुआ मेरे इस बारे में, कि ठीक है, यदि बुक हिंदी में भी है और फिक्शन में भी है, तब भी उसकी रीडरशिप बहुत लिमिटेड रहती है. तो यदि इस कॉन्सेप्ट को जन जन तक पहुंचना है, हमारे काफी सारे इंडियंस को उससे बेनिफिट करना है, तो मूवी देखने वाले तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत आई है, इवन 90% से ज्यादा लोग मूवीज देखते हैं, इज दैट राइट? तो इसलिए फिर मैंने इसको मूवी के स्टोरी के रूप में शुरू से ही लिखा है उसको. और आई एम श्योर कि यदि इसको अभी राजू हिरानी जी से मेरी मीटिंग होगी अक्टूबर में, और इवन विधु विनोद चोपड़ा जी से भी मेरी मीटिंग का प्लान है इन अक्टूबर, तो आई एम श्योर यदि उन तक ये पहुंचेगी तो वो इसको अप्रूव भी कर सकते हैं एज ए PK2 स्टोरी. और जो भी इसको पढ़ेगा तो आई एम श्योर कि वो एग्री करेगा कि ये PK2 की स्टोरी है. डॉक्टर नीरज, आपको ये PK2 की स्टोरी क्यों लगती है? हाँ, मुझे इसलिए लगता है कि ये PK2 की स्टोरी है, क्योंकि देखिए PK में क्या होता है कि एक एलियन आता है हमारे दुनिया में, और वो अपने पर्सपेक्टिव से रिलीजन को देखता है, राइट? और PK2 में क्या होता है कि एक एलियन आता है और वो अपने पर्सपेक्टिव से बिजनेस वर्ल्ड को देखता है, और एक्चुअली वो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी ढूंढता है. फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की 1% लोगों के पास 99% लोगों से ज्यादा दौलत क्यों है, और इन अदर वर्ड्स 99% लोगों की दौलत दुनिया की दौलत की 1% से भी कम है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और वो दूसरे एक प्रश्न का जवाब ढूंढता है कि कुछ लोग 1 घंटे में उतना कमा लेते हैं जितने कि दूसरे लोग 1 साल में भी नहीं कमा पाते. फॉर एग्जाम्पल, एक प्लास्टिक सर्जन 1 घंटे की सर्जरी के ही 1.5 लाख रुपए भी ले लेता है, और एक ड्राइवर वो पूरे 1 साल मेहनत करके, इवन यदि वो प्लास्टिक सर्जन के यहाँ भी काम कर रहा है, प्लास्टिक सर्जन की प्रायोरिटीज के हिसाब से चल रहा है, उसके गोल्स के लिए काम कर रहा है, तब भी वो 1 साल काम करके अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख ही कमा पा रहा है. तो एक बंदा 1 घंटे में 1.5 लाख कमा रहा है,
और दूसरा 1 साल मेहनत करके 1.5 लाख कमा रहा, तो इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? तो हमारा जो एलियन है वो इस प्रश्न के भी जवाब निकालेगा, और वो एक और प्रश्न का जवाब निकालेगा कि क्या मेहनत करने से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि ये आप भी मानते हैं कि केवल मेहनत करने से ही ज्यादा पैसा हम कमाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यदि मेहनत करने से ही ज्यादा पैसा कमाया जाता तो हमारे श्रमिक बंधु जो इतनी मेहनत करते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन की मैं सराहना करता हूँ, तब भी वो बहुत ही कम पैसे कमा पाते हैं, और इसी तरीके के बहुत सारे प्रश्नों के वो जवाब ढूंढेगा। और ये जस्टिफाई करने की ये PK2 की स्टोरी है, मैं आपको इस बुक के कुछ पेजेस आपको सैंपल में दूंगा, इनिशियल 18 to 20 pages, तो उससे आपको सैंपल भी पता चल जाएगा कि इस बुक का कंटेंट क्या है, और उतना पढ़ के आप समझ जाएंगे और आप एग्री करेंगे कि ये PK2 की स्टोरी है। सो अगेन जस्ट टू रिपीट, PK1 वॉज अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन और रिलीजन्स, एंड PK2 इज अबाउट एलियंस पर्सपेक्टिव अबाउट द बिजनेस वर्ल्ड। हमारा बिजनेस वर्ल्ड जैसे काम कर रहा है वो वैसे ही क्यों काम कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो हम लोग अपने बिजनेस वर्ल्ड के खुद ही नहीं समझ पा रहे, लेकिन एक बाहरी आदमी आता है तो वो पैटर्न निकाल के हमें बताता है। सो आई होप दिस जस्टिफाइज दैट दिस शुड बी अ स्टोरी फॉर PK2। Wow, that's really amazing. So thank you for letting us know about this. और मैं खुद भी excited हूँ. ये आपने जो कहा मुझे flow of emotions वगैरह ये मुझे भी पसंद है ऐसी books fiction वाली. और मैं भी खुद मैंने सिर्फ book को go through किया है अभी. मैं भी पूरी किताब पढ़ना चाहती हूँ और I'm looking forward to it. And I really मेरे best wishes हैं आपके साथ कि बहुत ही जल्दी इसका movie भी आ जाए और हम लोग देख पाए. या थैंक यू सो मच दीना जी। ऑलराइट ये बुक पढ़ने से रीडर्स के लिए क्या फायदा है आपके हिसाब से? थोड़ा राइट, बताइए हमारे व्यूअर्स को. यस, या श्योर, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। ये बुक पढ़ने से एक्चुअली रीडर का ये फायदा है कि उनका बिजनेस क्वेश्चन बढ़ जाएगा, जैसे कि आपको पता होगा कि एक IQ होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो वो हमें जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। और इंटेलिजेंट क्वेश्चन के अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि डिस्कवर हुआ था, आई मीन 2-3 decades बैक, दैट इज कॉल्ड इमोशनल क्वेश्चन, क्योंकि तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग पता होंगे जो कि हाईली इंटेलिजेंट है लेकिन उनका इमोशंस पे कंट्रोल कम है, तो उसके कारण उनकी सक्सेस कम हो जाती है। तो एक्चुअली और काफी सारी रिसर्च में ये भी पाया गया कि EQ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द IQ, इट मीन्स इमोशनल क्वोशेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इंटेलिजेंट क्वोशेंट। तो मैंने एक नया बिल्कुल. क्वोशेंट डिस्कवर किया है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस क्वोशेंट, क्योंकि देखिए वाओ हर हर बंदा, चाहे वो प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी रोल प्ले कर रहा हो, तो हम सभी बिजनेस वर्ल्ड से कनेक्टेड है, इज दैट राइट? इवन इंफोसिस में काम करने वाला भी बंदा ये सोचेगा कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, आई एम नॉट अ बिजनेस मैन, लेकिन वो बिल्कुल. बंदा खुद एक बिजनेस में ही काम कर रहा है, बिकॉज इंफोसिस इटसेल्फ इज अ बिजनेस, इवन यूनिवर्सिटीज आर बिजनेस, कॉलेजेस आर बिजनेस, तो हर चीज बिजनेस ही है। इवन जिस जूम के थ्रू हम लोग ब्यूटीफुल. आज कनेक्ट हो रहे हैं, हमारा ये इंटरव्यू चल रहा है, ये भी एक बिजनेसमैन के, एक एंटरप्रेनर के कंट्रीब्यूशन से ही क्रिएट हुआ है, राइट? यस इवन इन जो बिल्डिंग्स में भी हम लोग बैठे हैं, तो इसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप का काफी योगदान है, और काफी सारा इसका जो हंड्रेड मटेरियल, परसेंट इवन जो आपके रूम का और मेरे रूम का भी जो इंटीरियर का भी मटेरियल है, वो काफी सारे बिजनेसेस से आया होगा। तो हमारी लाइफ हम बिल्कुल बिजनेस वर्ल्ड से सेपरेट कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो यदि हम इतने ज्यादा डीपली ट्रू. इंटरकनेक्टेड हैं बिजनेस वर्ल्ड से, तो फिर हमारा बिजनेस क्वेश्चन हाई होना ही चाहिए, ताकि हम बिजनेस क्वेश्चन बिजनेस करेक्ट. वर्ल्ड से बेस्ट रिवॉर्ड्स भी ले सकते, और ऑफ कोर्स उसके पहले हमें उसको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो कैसे बिल्कुल. हम बिजनेस वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट ज्यादा करें और कैसे उससे ज्यादा रिवॉर्ड लें, तो इस बुक को पढ़ने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा एक चीज। बहुत सही है. और जैसे आपने यूनिवर्सिटी और स्कूल के बारे में आप कह रहे थे, आप ये भी चाहते हैं कि ये किताब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में एक कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह बन जाए और इस बुक को भी सिखाया जाए ताकि हमारे बच्चों में वो अवेयरनेस आ जाए. यस दैट्स राइट। हाँ एक्चुअली मिस, अबाउट वन थिंग आई एम सर्टेन कि इस बुक के भी जो फंडामेंटल्स हैं वो टाइमलेस कॉन्सेप्ट्स हैं, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं, या हिंदी में कहें तो शाश्वत है। शाश्वत मतलब कि जो चीज काल निरपेक्ष होती है और जो विश्वव्यापी होती है उसको शाश्वत बोलते हैं। तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो शाश्वत कॉन्सेप्ट हैं। हमारा चेंज इज द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड,
इनफॉर्चुनेटली ये जो कॉन्सेप्ट्स इस बिजनेस बुक में अनकवर किए गए हैं वो एकदम टाइमलेस यूनिवर्सल मतलब कि शाश्वत कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यदि वो ऐसे शाश्वत कॉन्सेप्ट्स हैं और हमारे यूथ को अल्टीमेटली बिजनेस वर्ल्ड में ही काम करना है, चाहे वो कोई भी रोल प्ले करे, हर कोई बिजनेस वर्ल्ड से इतना ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है, तो फिर हमारा बिजनेस क्वेश्चन हाई होना ही चाहिए, लोगों को एनलाइटनमेंट होना चाहिए बिजनेस वर्ल्ड के बारे में, तभी वो इससे बेटर डील कर करेक्ट, सकते हैं और उससे बेस्ट बेनिफिट्स ले सकते हैं, राइट? तो इसीलिए दिस इज माय यस, ऑब्जेक्टिव कि इस बुक को इंडिया के जन जन तक पहुंचना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे एक्चुअली मैं एक बात और करना चाहता हूँ आपसे कि आपको पता होगा कि इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिन लोगों को पता नहीं है उनके बेनिफिट के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कि इंडिया की जो आज एवरेज एज है, इंडियन पॉपुलेशन, वो करीब 28-29, चाइना की 37 से भी ऊपर है एवरेज एज, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज एज, ऑस्ट्रेलिया की एवरेज एज 45 से भी ऊपर है, यूरोप में भी काफी एवरेज एज हाई है। तो आज इंडिया के पास यूथ पावर बहुत है, हमारे पास आज एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास यूथ बहुत है। इनफैक्ट हमारे 65% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उसकी एज 35 ईयर से कम है। तो आज यदि हमारे पास इतना यूथ है तो हमें उस यूथ को प्रॉपरली गाइड करना पड़ेगा, और यदि हमने वो कर लिया तो इससे यूथ का तो फायदा हो गई, हमारी कंट्री का भी फायदा बिल्कुल होगा, हमारी सोसाइटी का भी फायदा होगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि सेंचुरी 1 to 12 इंडिया नंबर 1 कंट्री था, मोस्ट एजुकेटेड कंट्री था, वेल्दीएस्ट कंट्री था, राइट? तो आज हमारे पास वो मौका है कि हम फिर से वो अपना मुकाम, फिर से वो अपनी मंजिल, फिर से वो अपनी नंबर 1 पोजीशन पा सके, फिर से हमारा देश सोने का बिल्कुल इंडिया बन सके। और इसके लिए, बिल्कुल हमारा मैं इस बुक को हाईली रिकमेंड करूंगा, नॉट बिकॉज इट इज माई बुक, लेकिन जो जो भी इस बुक को पढ़ेगा, इनफैक्ट मैं मिनिस्टर्स वगैरह को भी अप्रोच करूंगा, पीएम को भी अप्रोच करूंगा, और इसमें मूवी के लिए भी आई विल डू माई बेस्ट कि इसमें मूवी बने, और मैं चाहता हूँ कि जन जन तक पहुंचे, और इसमें मेरा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव नहीं है वैसे। वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हाँ, आपने जैसे कहा कि हमारा इंडिया का फाउंडेशन वैसा है कि हम लोग एक बहुत ही रिच कंट्री हैं और रिच कल्चर से आते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग अभी हो क्या रहा है कि हमारे जो यूथ थे प्रीवियस जनरेशन में और अभी भी वैसा ही थोड़ा बहुत हो रहा है, जहाँ पे उन लोगों को सिक्योरिटी चाहिए होती है, दे जस्ट वॉन्ट टू हैव अ सिक्योर जॉब एंड दे आर हैप्पी। बट इफ यू सी इन द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज लाइक फेसबुक इज देयर, व्हाट्सएप इज देयर, इंस्टाग्राम इज देयर, सैमसंग इज देयर, ऑल दीज बिग कंपनीज, एप्पल इज देयर, अमेजोन, टेस्ला, एवरीथिंग इज इंटरनेशनल। व्हाट इज इन इंडिया दैट वी शुड लुक अप टू इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एंड हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बिलियनेयर्स इन द वर्ल्ड, राइट? सो इन ऑर्डर टू ग्रो दिस, यू आर वेरी राइट कि हमें हमारे बच्चों के बिजनेस पोर्शन को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, और ये टर्मिनोलॉजी आपने जो क्रिएट किया है ये बहुत सही है। ओके, थैंक यू लीना जी। हाँ, ओके, और यहाँ थोड़ा पे सा ये मैं, बताइए। हाँ हाँ यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो हमारा R&D पे जो एक्सपेंस है, जो हमारा R&D पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम है। यदि आप छोटी कंट्री से भी कंपेयर करें, जैसे साउथ कोरिया, उनका भी R&D पे एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है, आई मीन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, और बहुत सारी कंट्रीज ऐसे जैसे US, यूरोप, ये R&D पे काफी स्पेंड करते हैं, तो हमारे यहाँ R&D पे स्पेंड काफी कम है। हमारे यहाँ भी हाँ एंटरप्रेनरशिप का एक कल्चर आ रहा है, लेकिन हमें वो एंटरप्रेनरशिप का कल्चर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। आज हमें जॉब सीकर्स की नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स की जरूरत है, और यदि बिल्कुल हमने ये कर लिया, R&D पे एक्सपेंड कर लिया, हमारे यूथ को हमने प्रॉपरली एनकरेज और किया, अभी हमारी गवर्नमेंट वैसे काफी एनकरेज कर रही है, काफी सारी पॉलिसीज ला रही है, हमारी गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया इनिशिएटिव लाया, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लाया, लेकिन यदि हमने इस दिशा में और कंसिस्टेंटली चलते रहे और यदि हमने और भी हाँ बेटर फैसिलिटीज, बेटर स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, तो आई एम श्योर कि एप्पल जैसी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ये हमारे इंडिया में भी बन जाएगी। बिल्कुल, आई एम श्योर कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो ही चुकी है, जहाँ पे मैं मेक इन इंडिया है और आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन शुरू किया हुआ है, तो इस तरह से अगर बच्चों को सिर्फ सही नॉलेज दिया जाए और उन्हें सही दिशा एक मिल जाए, तो ऑब्वियसली ये मंजिल दूर नहीं है जहाँ पे हम इंडिया में बहुत सारे बिलियनर्स जनरेट कर पाएंगे और फ्यूचर में इंडिया एक ऐसी कंट्री रहेगी which will be looked up to for being this way, right? Rich. हाँ, दैट इज राइट। हाँ, और एक्चुअली जो आपने एक पॉइंट यहाँ पर रेज किया कि हमारे यूथ को सही दिशा की जरूरत है,
यहाँ से एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये जो बुक है द एलियन इन द बिजनेस वर्ल्ड या इवन नाइन्थ हैबिट भी जो बुक है, वैसे मतलब दोनों के कॉन्सेप्ट काफी सेम कॉन्सेप्ट हैं, ओनली थिंग इनका थोड़ा फॉर्मेट अलग है। हाँ तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ कि जो भी इन बुक को पढ़ेगा उसको अपने कैरियर के लिए एक जीपीएस मिल जाएगा। जैसे कि क्या आपने कभी बिना जीपीएस के कोई अपने डेस्टिनेशन ढूंढने की कोशिश की है? नहीं, आपने बिना जीपीएस के कोई भी डेस्टिनेशन ढूंढने की कोशिश नहीं की? मतलब कभी किया ढूंढने है? की कोशिश वही घूमना पड़ता है, फिर वहां जा जाके हाँ जिस एग्जैक्टली धीरे धीरे जाते जाते पूछना पड़ता है कि ये हाँ कहाँ पे तो आया है। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ लॉट टाइम ऑफ टाइम, और एंड कभी किसी ने भटका दिया तो फिर और भी राइट। और खो फिर आपने जाएंगे। जीपीएस से भी अपनी कोई डेस्टिनेशन ढूंढने की कोशिश की है? तो हाउ स्मूथ इज दैट राइट? उसमें हमारा एफर्ट बिल्कुल, बहुत ही कम लेट्स वेस्ट होता है और हम कम एफर्ट में, कम टाइम में और कम हेडेक में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, राइट, अपने डेस्टिनेशन तक। इज दैट करेक्ट? यस तो यस एब्सोल्युटली। सिमिलरली ये बुक, ये जो बुक्स हैं ये हमारे यूथ को उनके कैरियर के लिए एक जीपीएस दे, तो उस जीपीएस वाह को वाह, यूज करके वो अपने कैरियर की मंजिलें, अपने कैरियर की डेस्टिनेशंस बिना बहुत ही कम एफर्ट वेस्ट किए वो लोग पहुंच सकते हैं। तो एक्चुअली इन बुक्स से वाह, उनको अपने कैरियर के लिए जीपीएस मिल जाएगा और वो सर्टेनली कम एफर्ट में, कम टाइम में एंड कम स्ट्रगल में अपनी मंजिलें पा लेंगे। अबाउट दिस एप, ब्यूटिफुल, दैट्स रियली नाइस। काश मैं खुद भी कुछ साल पहले वापस जा पाऊं और ये बुक पढ़ पाऊं राइट? हाँ क्योंकि एक्चुअली इन बुक्स को शुरुआत में लिखने के हम बाद मेरा भी एक सबको रिग्रेट है, आई हैव अ रिग्रेट ऑफ राइटिंग दिस बुक, एंड दैट इज कि काश ये बुक किसी ने मुझे 25 ईयर्स पहले दी होती, तो आज मेरी जो सक्सेस बिल्कुल है वो एक्चुअली 50 टाइम से भी ज्यादा होती, क्योंकि मेरा डायरेक्शन शुरू बिल्कुल से ही करेक्ट हो जाता है। सही है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को ये तो बता दीजिए कि आपकी बुक मिलेगी कहाँ इनको। राइट हाँ एक्चुअली सोन ये जो बुक है ये 2025 क्रॉसवर्ड्स में स्टोर्स में अवेलेबल रहेगी ऑल अक्रॉस इंडिया और अमेजन पे भी ये सून आने वाली है, तो इसकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको हम वी कैन पुट इट ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड तो उस लिंक से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग भी अपने कैरियर को और बेटर बनाना चाहते हैं और ज़्यादा रिन्यूमरेशन अपना बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेनर हो या कोई भी रोल प्ले कर रहे हो, तो वो इसको पढ़ सकते हैं। ब्यूटिफुल, तो थैंक यू सून आई सो विल मेक मच। श्योर दैट इट इज वाइडली अवेलेबल। वाह, दैट्स नाइस, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो ऑल ऑफ दिस। और हम ये आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे कि हमारे व्यूअर्स जो आपकी बुक पढ़ना चाहेंगे, उन्हें किस तरह के, अपने लिए किस तरह के प्रश्न, वो प्रश्नों में वो क्लैरिटी ले पाएंगे। लाइक व्हाट इज राइट द काइंड ऑफ डायरेक्शन दैट इज गिवन इन द बुक, इन कैन यू एक्सप्लेन सम कॉन्सेप्ट फॉर अस और समथिंग। यस यस हाँ दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। हाँ तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि ये बुक पढ़ने से जो भी रीडर है उसका एनलाइटनमेंट हो जाएगा बिजनेस वर्ल्ड के बारे में, उसका बिजनेस क्वेश्चन बढ़ जाएगा, तो एज ए रिजल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल उसके काफी सारे प्रश्नों के तो उसको उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि किसी चीज के बारे में यदि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तो फिर हमारे क्वेश्चंस कम आते हैं, राइट? तो ये यस एक चीज होगी कि उसको खुद ही इन प्रश्नों का, काफी सारे प्रश्नों का आंसर खुद ही मिल जाएगा, और इसके अलावा उनको क्लियर कट पता चल जाएगा कि वो अपने बिजनेस को फंडामेंटली कैसे स्ट्रांग बनाए। फंडामेंटली स्ट्रांग मतलब कि उनका बिजनेस जो भी हमारे बिजनेस वर्ल्ड में भूचाल आते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोविड आया या दूसरे भी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, या जैसे जीएसटी का सडनली इंट्रोड्यूस किया या सडनली डिमोनेटाइजेशन किया, तो ये सारे जो एनवायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं तो उससे उनके बिजनेस को बहुत ही कम इम्पैक्ट होगा, तो वो अपने बिजनेस को फंडामेंटली स्ट्रांग बना ओके सकते हैं ताकि उनकी कम से कम प्रेजेंस में भी उनका बिजनेस उनके लिए प्रॉफिट जनरेट करता रहे, उनके कम टाइम में कम एफर्ट में भी उनको ज्यादा आउटकम मिलता रहे, और दूसरा चीज कि वो अपने ब्रांड को बिल्कुल कैसे और ज्यादा पावरफुल बनाए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं, इन सभी प्रश्नों के जवाब वो इन बुक्स के थ्रू मिल जाएंगे। ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। इट वॉज रियली अमेजिंग टू नो कि आपने इतनी बढ़िया किताब लिखी है और वो भी हिंदी में है। तो यू नो, सपोर्टिंग इंडिया एंड आर यूथ एंड लुकिंग फॉरवर्ड दैट यू नो दे ग्रो टू ग्रेट लेवल्स एंड दे आर द नेक्स्ट बिलियनर्स यू नो इन एंड क्रिएट अ कंट्री लाइक दैट विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग दैट वे। दैट्स अ ग्रेट थॉट एंड अ ग्रेट मिशन टू बी इन। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दैट यू डिड। And thank you for being here, Neeraj ji. It was great having you on Authors Club again. And it was pleasure. Yeah, actually, pleasure is mine. And thanks for inviting.
to this great forum. My pleasure. Thank you so much. Yeah, thank you, and talk to you later. Bye.